हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और हमारे साथ में मौजूद हैं मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी। जैसा कि सतीश मनचंदा जी की अध्यक्षता में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी घर घर जाकर पांच न्याय की गारंटी, पांच न्याय का वादा जो राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन ने दिया है उसको पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये वादा जो है ये मुस्लिम लीग का है, ऐसे में आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? कहते हैं ना, जब 70 साल की उम्र हो जाती है तो आदमी सटिया जाता। मोदी जी ने कभी जिंदगी में सच नहीं बोला है, ये सारी दुनिया जानती है। अब मुस्लिम लीग की बात मोदी जी करते हैं, मोदी जी को पूछिए आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना के साथ उसकी मुस्लिम लीग के साथ मिलके पश्चिम बंगाल में और कश्मीर में सरकार बनाई थी। अब किसी को फोबिया हो गया है, मुस्लिम फोबिया हो गया है, तो उसका इलाज ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। मोदी जी को अपनी हार निकट दिखती है, इसलिए उनको लगता है कि ये पांच न्याय का मुस्लिम के लिए। आप ही सोचिए कि जो पांच न्याय दिए हैं क्या वो चुन चुन के देंगे? ये हिंदू है इसको देना, ये मुस्लिम है इसको देना, ये जैन है इसको देना, ये ईसाई, जो भारतीय है जिसके पास हिंदुस्तान की नागरिकता है और हमारे देश का वो नागरिक है, वो सुविधा उन लोगों को मिलेगी। बाकी मोदी जी क्या बोलते हैं उस पर ध्यान रखते। जैसा कि पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में संबोधित करते हुए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया और वहां पर लोगों को कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो मंगलसूत्र है वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा, वो मुसलमानों को दे देगी और हिंदू मुस्लिम की ज्यादा वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मोदी जी को पहले चुनाव के बाद ये ज्ञात हो गया है कि उनकी सत्ता नहीं आ रही। आपको याद होगा कि अमित शाह ने कहा था कि हमारी शुरुआत 100 सीटों को साथ होगी, मगर कितनी सीटों से होगी? केवल एक सूरत की सीट से होगी। 102 सीटों में मोदी जी अधिकांश सीटों पर हार रहे हैं, 70 से 75 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उस हार को देखते हुए वो बौखला गए हैं। अब रहा सवाल मुसलमानों को सोना देना और मुसलमानों का तुष्टिकरण करना, उनके ऊपर तरह तरह के लाछन लगाना। आप अगर पढ़े लिखे हो तो आप ऐसी बात नहीं करोगे, कोई अनपढ़ या झूठी डिग्री वाला ही ऐसी बात कर सकता है। हमारा इतिहास बताता है कि हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई का ब्यूगल बजाने वाला पहला बहादुर शाह जफर टू था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ म्यूटनी की और जिसके कारण उनको बहुत बड़ी सजा भी पाई, तो पहला वो था। अब सवाल आता है सोने का। आपको याद होगा चाइना वॉर में हमारे पास मिलिट्री के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसा नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी की एक घोषणा के ऊपर हैदराबाद के निजाम ने 1962 में 5 टन सोना हिंदुस्तान की सरकार को दिया था। जिन्होंने 5 टन सोना हिंदू हो या मुसलमान हो मिलिट्री के नाम से दिया, वो ये सोने का लालच नहीं रखते। अब सवाल है मंगलसूत्र। पहली बात तो मैं मुस्लिम महिलाओं को मंगलसूत्र पहनते देखता ही नहीं। ये मंगलसूत्र का रिवाज सिर्फ हिंदुओं में है और मोदी जी को मंगलसूत्र का मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का ही मंगलसूत्र की लाज नहीं रखी, तो वो क्या बोलेंगे? अब इनका दिमाग खटिया गया है, सटिया गया है, बौखला गए हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब हो गया है। 1971 में इंदिरा जी ने
बांग्लादेश को अलग आजाद कराया, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। अगर कांग्रेस को मुस्लिम से हमदर्दी होती, विदेशी मुस्लिम से, तो वो इस प्रकार क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े करते? 1968-69 में इंदिरा गांधी जी ने एक रिफॉर्म लाया था कि जो भूमि के ऊपर खेती कर रहा है, 15 साल से अगर वो खेती कर रहा है, वो भूमि उसकी, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड इंदिरा जी के खिलाफ हुए थे। उस समय उन्होंने ये नहीं देखा था मुसलमान कर रहा है कि हिंदू कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा फायदा हिंदुओं का हुआ था। उसके साथ साथ इंदिरा गांधी जी ने और एक रेजोल्यूशन लाया था कि जिस गरीब इंसान ने, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो या छोटा कामगार हो, उसने सोना गिरवी रख के मारवाड़ी से अगर पैसा लिया है और इतना ब्याज दे चुका है जो उसकी कर्ज के बराबर का, वो सोना तुरंत वापस करने के लिए ऑर्डर इश्यू किए थे। अगर वो सोना वापस नहीं होगा, उनके लाइसेंस रद्द होंगे और वो जेल में जाएंगे। तो उस समय तो उन्होंने सोचा नहीं था। अब मुस्लिम्स के पास तो सोना होता ही कम है, क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर सोने के ऊपर जकात निकलती है। मुस्लिम्स में पुरुषों को सोना पहना वर्जित है, महिलाएं पहन सकती है, मगर मुस्लिम ज्यादा सोना इसलिए नहीं रखते हैं कि हर रमजान के महीने में जितना सोना उसके पास है, उसका कोई 2% 5% ऐसा, मेरे को उसकी पूरी जानकारी नहीं है, मगर ये 100% श्योर है कि जकात निकालनी पड़ती है, इसलिए वो सोने को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। मोदी जी सिर्फ मुस्लिम 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 करते हैं। अब आपके माध्यम से मैं मोदी जी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारे भी तो दो दामाद मुस्लिम हैं, मुख्तार नकवी, शाहनवाज हुसैन, तो उनके बारे में क्या? किसी पे एक उंगली उठाते हो, बाकी की 4 उंगलियां आप पे होती हैं। मोदी जी को ये भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने घर जवाई बना करके रखे हैं, वो दोनों मुस्लिम हैं। और अंत में मैं इतनी ही बात करूंगा कि मोदी जी कहते हैं कि ये संपत्ति उनको दे दी जाएगी जिनका बहुत बड़ा परिवार है, मुस्लिम समाज के हैं। मोदी जी को पूछो, आपकी माता ने भी तो 8-9 बच्चे पैदा किए थे, आप 7वीं संतान हो, तो कितना सोना आप देंगे इन परिवारों को? किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लो। मैं मोदी जी से इतना ही कहूंगा, अरे तेरा मेरा घर शीशे का, तू भी देखे मैं भी देखूं, तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचू तू भी सोच। अगर इतने उनको दिमाग होगा तो वो इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। और अब मोदी जी का घड़ी घड़ी आप जिक्र करते हैं, दूसरे मीडिया वाले जिक्र करते हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी एक बात कह के मेरी बात को समाप्त करूंगा, और मैं मोदी जी के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। एक बार एक गधा और एक शेर आमने सामने हो गए। गधा कहता है, कितनी हरियाली है, सब नीला ही नीला है। शेर सुनता है, देखता है, बोलता, अरे नहीं, हरियाली तू कहता है वो सही है, मगर वो नीला नहीं, वो हरा है। गधा कहता है हरियाली नीली है, शेर कहता है वो हरी है। इसका फैसला कौन करेगा? वो वहां के राजा के पास गए और राजा से कहा, अपनी अपनी बात सुनाई। गधा कहता है हरियाली है वो नीली है, और शेर कहता है, राजा ने पहले ही कह दिया कि मैं जो निर्णय करूंगा, जो गलत होगा उसको फांसी की सजा दूंगा। फिर शेर ने बताया कि हरियाली तो हरे में होती है, नीली कहां होती है। राजा ने अपना फरमान सुनाया, शेर को फांसी पे लटका दिया जाए। राजा के पास शेर फरियाद करता है, जा पना, मैंने तो सत्य बोला और मुझे फांसी, और वो जो झूठ बोला वो आनंद कर रहा है। राजा ने कहा, सत्य बोलने के लिए आपको फांसी की सजा नहीं हो रही है,
गधों से चर्चा करने के लिए हो रही है। तो मोदी जी इनके ऊपर चर्चा करना, अपना दिमाग खराब करना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए दोस्तों, ये विचार हमारे मुंबई कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी के हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मनचंदा जी के विचार आवाम तक पहुंच सके।